गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तनवी फ्रॉम एवरेज क्लासेस। आज 28 जून 2018 के हिंदी टोल के साथ हाजिर हूँ। इस पूरे लेक्चर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी किया जाता है, ताकि जो बच्चे एग्जामिनेशन इंग्लिश बेसिकली के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, कि जो बच्चे इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं या फिर जिनको प्रिपरेशन में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको एक हेल्प हो सके। इस पूरे लेक्चर में द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को लिया जाता है, उनके वोकैब्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं, इडियम्स फ्रेजेस, ईच सेक्शन से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर करके आपको दिए जाते हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। इस पूरे लेक्चर को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। वोकैबुलरी, द हिंदू रिटोरियल, 10 वोकैब्स होते हैं विद सिनोम्स एंड एंटीनोम्स एंड देयर मीनिंग्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन विद 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, इट इज ऑल्सो फ्रॉम द हिंदू रिटोरियल, 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड द लास्ट वन इज एसे राइटिंग सेक्शन। कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज फेस्ट मीन्स सुलगना, किसी चीज़ को आप स्प्रेड करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जो होता है आप ब्लिंक करता है, या फिर वो अगर फ्लोरी ब्लिस्टर करता है, उसे हम लोग जो है वो फेस्टर कहते हैं। ये एक वर्ब एंड द मीनिंग इज सेपरेट, एंड द सिनोम्स आर स्मोल्डर, एग्रवेट, ब्लिस्टर, एंड द एंटोनिम्स आर बिल्ड, डिलाइट, फ्लोरिस, एंड एग्जाम्पल इज हिज फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट हैव फेस्टर्ड फॉर ईयर्स, एंड द सेकेंड वन इज स्टीयर मीन्स चलाया, किसी चीज़ को गाइड या कंट्रोल करके मूव करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं। द वर्ब एंड द मीनिंग इज गाइड और कंट्रोल द मूवमेंट अ व्हीकल, वेशल और एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल बाई टर्निंग अ व्हील और ऑपरेटिंग अ रडर। सिनोम्स आर ड्राइव, स्कॉट, गवर्न, एंड द एंटोनिम्स आर अबंडन, अबे, एंड द एग्जाम्पल इज ही स्टीयर्ड द बोट स्लोली टुवर्ड्स द बिजी गुए। थर्ड वन इज रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक, किसी में आप अनविलिंग हैं, किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जो कुछ आप नहीं करना चाहते, यानी कि आपके इच्छा आपकी इच्छा नहीं है, उसे रिलक्टेंट बोलते हैं। एंड द मीनिंग इज अनविलिंग एंड हेजिटेंट, एंड द सिनोम्स आर अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, अनइंथुसियास्टिक, एंड द एंटोनिम्स आर विलिंग, ईगर, रेडी, एंड द एग्जाम्पल इज टुडे मेनी ऑर्डिनरी पीपल आर स्टिल रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। फोर्थ वन इज रिसर्फेस्ड मीन्स फिर से जाग उठना, यानी कि कोई भी बात अगर दब जाती है और फिर से वो सामने खड़े होकर आ जाती है, तो उसे हम लोग रिसर्फेस्ड बोलते हैं। एक वर्ब एंड द मीनिंग इज पुट अ न्यू कोटिंग ऑन और रिफॉर्म अ सर्फेस स्पेशली अ रोड, एंड द सिनोम्स आर राइज अप, सर्फेस, कम अप, एंड द एंटोनिम्स आर डिसेंट, नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट, इनसाइड, एंड द एग्जाम्पल इज आई हेल्प्ड माय मदर टू रिसर्फेस द किचन फ्लोर। फिफ्थ वन इज स्वूपिंग मतलब की ओर झुका, किसी के वन साइडेड अगर हम लोग जो है झुक जाते हैं, किसी का फेवर लेते हैं, उसे बोलते हैं स्वूपिंग। ए वर्ब एंड द मीनिंग इज मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर, एंड द सिनोम्स आर डाइव, प्लमेट, पाउंस, एंड द एंटोनिम्स आर असेंट, राइज, एंड एग्जाम्पल इज द बार्न आउल कैन स्वूप डाउन ऑन अ माउस इन टोटल डार्कनेस। सिक्स वन इज डिफॉल्टर मीन्स दोषी, एक नाउन, एंड द मीनिंग इज अ पर्सन हु फेल टू फुलफिल अ ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और अंडरटेकिंग, एंड द सिनोम्स आर डेड बिट डैड, डेप्टर, एंड एंटोनिम्स आर क्रेडिटर, एंटागोनिस्ट, लूजर, एंड द एग्जाम्पल इज इन डिफॉल्ट ऑफ ड्यू पेमेंट देयर लैंड्स वर लायबल टू बी सोल्ड टू द हाइएस्ट बिडर। सेवेंथ वन इज क्विड प्रो क्यो मीन्स मुआवजा, ये एक नाउन है, एंड द मीनिंग इज अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग, एंड द सिनोम्स आर क्विड, एंटोनिम्स आर नन वर्कर, अनकाइंडनेस, इनकॉन्सिडरेशन, एंड द एग्जाम्पल इज द पार्डन वॉज अ क्विड प्रो क्यो फॉर देयर हेल्प इन रिलीजिंग होस्टेज। एथ वन इज फर्मामेंट मीन्स आकाश, एक नाउन, एंड द मीनिंग इज द हेवी और द हेवन्स और स्काई, एंड द सिनोम्स आर नैडियर, जेनिथ, एपेक्स, एंड द एंटोनिम्स आर एंटापेक्स, नैडियर, जेनिथ, एंड द एग्जाम्पल इज थंडर शेक्स द फर्मामेंट। नाइन्थ वन इज फॉर्मिडेबल मीन्स दुर्जय, एक वर्ब एंड द मीनिंग इज इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बींग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और केपेबल। सिनोम्स आर इंटीमिडेटिंग, फॉरबिडिंग, रिडाउटेबल, एंड द एंटोनिम्स आर कंफर्टिंग, ईजी, वीक, एंड द एग्जाम्पल इज टू फॉर्मिडेबल मेन स्टूड ऑन ईदर साइड। टेंथ वन इज प्रिड्यूस मीन्स इस बात का पूर्वानुमान, किसी चीज़ का आप पहले से आपको पता होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो उसे हम लोग पूर्वानुमान बोलते हैं। एंड द मीनिंग इज फ्रॉम अ जजमेंट एंड
on an issue or person prematurely and without having adequate information. Synonyms are evaluate, judge, pass judgment, and the antonyms are fail, pass, approve. And the example is, it is wrong to prejudge an issue on the basis of speculation. Coming to the Hindu editorial analysis section, and the today's editorial is based on the ICICI Bank's issues. आप देखेंगे कि ICICI Bank में जो issues हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो CEO है चंदा कोचर, उन पे allegations लगे थे कि उन्होंने अपने duty का अच्छे तरीके से वहन नहीं किया है, और उन पे जो आरोप लगाए थे वो लगे थे उसके ऊपर जो है, अब ICICI जो है उस पर एक्शन लिए हैं, और उनको जो है ऐसा उनके अगेंस्ट में जो एक्शन लिए गए हैं और उन पे जो है चार्जेस लगाए गए हैं, और उसे जो है इंक्वायरी उन पे बैठाई गई है. ओ विसल ब्लोअर जो है उन्होंने चार्जेस लगाए थे कि चंदा कोचर ने जो है वो पर्सनल, मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए अपने हस्बैंड के जो कंपनी है, यानी कि वीडियोकॉन जो है उनको, उन्होंने जो है वो लोन प्रोवाइड करवाए थे. तो आप देखेंगे कि इस पे इंक्वायरी लगाई गई थी. ऐसा कहा जा रहा था कि चंदा कोचर जो है वो एक एनुअल लीव पे हैं. अब उनको जो है बोला गया है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता इंक्वायरी और चार्जेस, वो तब तक लीव पे ही रहेंगी. तो इन सब चीज़ों को यहाँ देखते हुए देखा जा रहा है कि जो कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं उस पे कहीं ना कहीं ICICI जो है वो एक्शन ले रही हैं. आप देखेंगे कि उनके उसी टेन्योर में MK शर्मा जो चेयरमैन हैं बैंक बोर्ड्स के, इज सेट टू एंड इस जो मंथ में जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है. अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनके बाद जो है या उनकी जगह पे कौन आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और सामने चंदा कोचर के जगह जो हैं वो न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संदीप बख्शी जो हैं वो चार्ज लेंगे, और वो जो हैं अपना जितना भी डिसीजंस वगैरह होगा वो उनसे डिस्कस करेंगे मिस कोचर से. उसके बाद उसे अपने एक्शन में लाए जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है. ICICI बैंक्स जो है वो ट्रबल्ड में आया 2016 से ही, ऐसे लगे जा रहे हैं जो इन्वेस्टर एलिग जो है क्विड प्रो क्यो डील, मतलब कि मुआवजे के रूप में मिस्टर कोचर को इमिडिएट फैमिली मेम्बर्स जो उनके थे और जो वीडियोकॉन ग्रुप को है उनको, उन्होंने जो है तकरीबन 3,250 करोड़ लोन दिया था. और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपका उनका इंटरेस्ट रहा था इसमें देने का, इसलिए किया था. मिस्टर शर्मा सेड ही हैड पर्सनली इंक्वायर्ड इस चीज़ को देखे हैं 2 सालों में, और ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मिस की हैं, एडमिट की हैं. और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी इस चीज़ में सेबी को भी मतलब इन्वॉल्व किया गया है, और सेबी को रेगुलेट करते हैं जो, उनको भी ये चीज़ का देखा गया है कि अभी जो प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हैं उन पे सही तरीके से हो जाए और उसको उसके लिए दिखाया जाए. पैनल भी बैठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट BN श्री कृष्णा जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तब तक के लिए उनको जो है वो वेट करने को कहा गया है. और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भी इंक्वायरीज़ है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इस तरह के होंगे, डाउट है तो उसको अच्छे तरीके से गवर्न करने की ज़रूरत है. तो इन सब चीज़ों को जो है वो दूर करनी होंगी, इस पर अच्छे खासे इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए. ये थे आपके हिंदी ट्यूटोरियल एनालिसिस. अब हम लोग हिंदी ट्यूटोरियल की तरफ, हिंदी ट्यूटोरियल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फॉर्मेडेबल. ऑप्शन आर ए ईजी, बी रीडाउटेबल, सी वीक, डी कन्फर्टिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज बी रीडाउटेबल. कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड स्वूपिंग. द ऑप्शन आर ए डाइव, बी प्लमेट, सी एसेंट, डी पाउंस. एंड द करेक्ट आंसर इज सी एसेंट. थर्ड वन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड फेस्टर. एंड द ऑप्शन आर ए स्मोल्डर, बी फ्लोरिस, सी द लाइट, दी बिल्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज ए स्मोल्डर. फोर्थ वन इज, द सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. 4 ऑल्टरनेट सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज, द बोर्ड ऑफ ICICI बैंक डैश फाइनली एक्टेड ऑन द एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट इट्स CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर. एंड द ऑप्शन आर ए हैव बीन, बी हैज बीन, सी हैज, डी हैव. एंड द करेक्ट आंसर इज सी हैज.
कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज द सेंटेंसेज गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ऑल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज रादर देन अलाउ टू कॉन्ट्रोवर्सी टू फेस्टर द बोर्ड ऑफ ICICI बैंक एंड इंस्टीट्यूशन ऑफन साउट टू होल्ड अ मिरर अप टू द inefficiencies of public sector banks should have acted earlier. Options are A of, B which, C with, D that. And the correct answer is D that. Coming to the idioms and phrases section, and the first one is like grim death, means very firmly. And the example is he climbed the tree like grim death. Second one is the daily grind, means everyday work. And the example is students should complete the daily grind regularly. Third one is to split hairs, means to find fault with. And the example is, he split hairs of my every achievement. Fourth one is hale and hearty, means very healthy. Example, the beggar is hale and hearty. Fifth one is hammer and tongs, meaning with great noise or vigor. And the example is, the victory of the party was celebrated hammer and tongs. Coming to the essay topic, and today's topic is current banking system in India. जिस तरह से अभी बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे काम कर रही है, आप RBI रेगुलेटिंग जो है वो देख रही है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, और जिस तरह से इंडिया में काम कर रही है, आप प्लीज़ उस पर अपने आंसर्स रेडी कीजिए. बहुत सारे ऐसे बैंकिंग टर्म्स भी होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और प्लस इससे आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जैसे BCD या फिर बैंक POs वगैरह इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो आप इजी तरह से आंसर दे पाएंगे. इस लेक्चर के दौरान जो एडिटोरियल आपके स्क्रीन पे आते हैं, प्लीज़ उसे रीड आउट कीजिए ताकि आपके जो भी प्रोनंसिएशन या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेटर हो पाए. हम लोग अनएम्प्लॉयड फ्री बिहार मुहिम से जुड़े हैं, बेरोजगार मुक्त बिहार, और इसके तहत आपका भी हमें साथ चाहिए ताकि हम लोग बिहार को जो है वो बेरोज़गार मुक्त बना पाएँ, जिसके तहत 400 से ज़्यादा कंपनीज़ हमारे साथ टाई अप हैं, और हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक लिंकेज का काम करते हैं, ताकि जिन लोगों को वहाँ तक नहीं पहुँच पाते उनकी मंजिल तक हम लोग पहुँचाते हैं, उनको जॉब अचीव करने में हेल्प कर पाते हैं. जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करने में प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको टेक्निक भी बताए जाते हैं, किस तरह से फेस किया, उनका प्रिपरेशन भी करवाया जाता है. इसके लिए आपके फैमिली फ्रेंड्स या फिर कोई भी हो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो, प्लीज़ आप हमारा नंबर और हमारा एड्रेस ज़रूर दे दें. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे आके मिल भी सकते हैं. इस रिगार्डिंग हमारा टाइमिंग है 3 से 5 बजे तक. हमारा एड्रेस है एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना, एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना. एंड यू मे ऑल्सो कॉल अस ऑन 7279845076, 7279845076 एंड 7004154803, 7004154803. थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब एवरेस्ट क्लासेस फॉर लेटेस्ट अपडेट.